फ्रेंड्स, मैं पूनम पूनम सीरन किचन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। गर्मियों का मौसम है और जूस तो पीना बनता है, तो कभी हम किसी भी फ्रूट का जूस निकाल के पीते हैं, बहुत ही हेल्दी होता है। तो आज हम बनाएंगे वाटरमेलन जूस, जो कि बहुत ही जल्दी बनकर रेडी हो जाता है और इसमें पानी की क्वांटिटी भी अच्छी होती है। तो गर्मियों में इस जूस को जरूर बनाएं। आज की ये रेसिपी अगर आपको पसंद आती है तो इसको लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज को सब्सक्राइब कर लें। छोटी सी रेसिपी है, फटाफट इसको देख लेते हैं। वाटरमेलन जूस बनाने के लिए वाटरमेलन को क्यूब्स में कट कर लिया है, हाफ लेमन लिया है, उसका जूस निकाल लिया है, 1 से 2 चम्मच शुगर है, ये ब्लैक पेपर है 1/2 स्पून, और ये है आइस क्यूब्स। तो अगर आप आइस क्यूब्स डालना चाहते हैं तो डालें, नहीं तो आप फ्रिज में रख के जूस को ठंडा कर सकते हैं। चलते हैं, फटाफट जूस बना लेते हैं। अब वाटरमेलन को हमें इस जार में, मिक्सी के जार में डाल दें। आपके पास जो भी जार है आप उसमें डाल सकते हैं, क्यूब्स को इसी में ऐड कर देते हैं। साथ ही इसमें लेमन का जूस डाल देंगे और शुगर, शुगर मिठास के अनुसार डालिएगा। वैसे ज़्यादा शुगर की ज़रूरत नहीं होती है इसमें, क्योंकि ऑलरेडी ये मीठा होता है वाटरमेलन। ब्लैक पेपर एंड कुछ आइस क्यूब्स डाल देंगे और बाद में कुछ ग्लास में हम लोग यूज कर लेंगे डालकर। बंद करते हैं इस तरह से और इसका जूस निकाल लेते हैं। ये देखिए, हमारा जूस बनकर रेडी हो गया है। ना ही हमने इसमें पानी मिलाया है, और पानी वैसे मिलाते भी नहीं है जूस में कभी। अब एक बाउल में इसको छान लेंगे। जो भी हमने सीड्स निकाले नहीं थे ना, तो इसमें छानने से ये अलग हो जाएंगे सीड्स। आप चाहें तो इसमें पुदीने की पत्तियां भी डाल सकते हैं, उससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। मैंने यहाँ पे नहीं डाला है। और ये देखिए, हमारा जूस बनकर रेडी है और जो सीड्स हैं वो अपने आप अलग हो गए हैं। बहुत ही कम मेहनत के साथ ये जूस बनकर रेडी हो जाता है, बहुत ही हेल्दी भी है। तो इसको गर्मियों में ज़रूर बनाएं। ये जो नीचे पल्प है इसको भी हम ऐड कर देंगे। और ये देखिए, हमारा जूस बनकर रेडी है। इसको ग्लास में निकाल लेते हैं। अब लेंगे एक ग्लास, इसमें डाल देंगे कुछ आइस क्यूब्स। बहुत ही हेल्दी जूस बनकर रेडी होता है, गर्मियों में इसको ज़रूर बच्चों को भी दें। और इस तरीके से हमने क्यूब्स डाले और डाल देंगे हम जूस। ये देखिए, हमारा जूस बनकर रेडी है। साइड में लगा देंगे एक वाटरमेलन का टुकड़ा इस तरीके से, जैसे कि मार्केट में मिलता है ना, बस उसी तरीके से इसकी गार्निशिंग कर लेते हैं। एक तुलसी का पत्ता और ये डाल दिया हमने स्ट्रॉ। ये देखिए, तो ये लीजिए, हमारा वाटरमेलन जूस बनकर रेडी है। फटाफट इसको हमने बना लिया है। आज की रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और मेरा चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें। बाय बाय।